हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राप्ति आईएएस। मैं आपका दोस्त होस्ट धर्मेंद्र राणा सर। आज हम अगले वीडियो पे आए हैं जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि प्री की तैयारी में आप क्या करते हैं और एग्जाम के टाइम पे आप कौन सी गलतियां ना करें। ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके बारे में आपको हर चीज़ ऑलमोस्ट पता हो और जानकारी हो। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। पहली चीज़ ये कि जब आप प्री की प्रिपरेशन करते हैं तो आप पहली चीज़ ये सोचते हैं कि मैं जब सब पढ़ के जाऊँगा तो मेरा होगा। दूसरी चीज़, यार मेरी तैयारी ठीक से नहीं चल रही है, इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे अदर पीपल्स की हैं, प्रोबेबली वो सेलेक्ट हो सकते हैं बट मैं नहीं सेलेक्ट हो सकता। पहली चीज़, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि वो सेलेक्ट हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी पोटेंशियलिटी, आपकी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, उसकी अलग हैं। डेट अ लक फैक्टर विच वी कॉल, ना कि लक फैक्टर है तुम जाओ और तुम्हारे से जितना पढ़ा उतना ही पूछ लिया जाए, ये यूपीएससी में नहीं होता। कि आप सोचोगे कि जय माता दी लेट्स रॉक करके आओगे और हर एक ऑप्शन में से एक माता रानी के नाम पे लगा दोगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ऑन सीरियस नोट नहीं निकलेगा। एग्जाम से पहले तो डरना बंद करें। एग्जामोफोबिया बहुत बड़ी चीज है जो हम लोगों के अंदर होती है कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ आज मुझे बुखार आ जाएगा, या प्रिपरेशन के टाइम पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार मुझसे ये तो भूख खत्म ही नहीं हो रही, यार अभी तक मेरी लक्ष्मीकांत नहीं खत्म हुई, 3 महीने बीत गए, यार मेरी अभी इकोनॉमिक्स नहीं तैयार है, यार मेरी हिस्ट्री नहीं तैयार है। तो बेटा सोच के तो नहीं तैयार होगा ना कि आप सोचोगे अच्छा मुझको करना था। लगता है शिवानी मदद कर देगी, लगता है वैशाली मदद कर देगी, वो आपकी मदद करने नहीं आएंगी। फिर लड़कियां सोचती हैं राहुल मेरी मदद कर सकता है, जतिन मेरी मदद कर सकता है। एक्चुअली आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपको अपनी मदद खुद करनी है। फिर कोई कहता है कि चलो यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे देखो सैकड़ों वीडियो पड़े, उनमें से कोई तो होगा जो मेरे काम आए। कोई तो होगा का क्या मतलब है भाई, सारे वीडियोस किसी के काम नहीं आते। उस सागर में से भी आपको मोती चुनने पड़ते हैं। आपको बता दूं, धर्म के बारे में चीजें पढ़ाई जाएं आपके काम की नहीं, बिल्कुल नहीं है काम की। तो या तो आपको कोई मोटिवेट करे, आपको एजुकेशन दे, वो तो चैनल आपके काम के हैं, बट दिन भर में अगर 250 करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिलेंगे तो 250 तो पढ़ने भी नहीं है। ऑथेंटिफाइड चीजें पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो ऑथेंटिफिकेशन कहाँ से आता है, प्री की तैयारी कर रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक साल का करंट अफेयर्स देखना है बट दो जगह से, एक PIB, एक ऑल इंडिया रेडियो, और अगर आपके पास पॉसिबल है तो DD न्यूज जरूर सुन लिया करिए, क्योंकि शाम को रात को जो DD न्यूज आता है वो नेशनल चैनल है, वो जरूरत की चीजें बोलेगा फालतू की नहीं। ऑल इंडिया रेडियो को भी जो न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है शाम को, वो भी आपके यूपीएससी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। PIB आप फॉलो करिए, हिंदू आप फॉलो करें बहुत अच्छा, नहीं कर रहे तो करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कल भी वीडियो में ये बोला था कि एक दिन में आप IAS की तैयारी खत्म नहीं कर सकते, बट विद टाइम टू टाइम आप चीजें कर सकते हैं और उनको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद बात आती है कि सर जब हम प्री देने जाएं तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो भाई तैयारी तो कर चुके आपको जितनी करनी थी, यकीन मानिए 60 दिन आपके पास अप्रॉक्स रह गए हों तो 60 दिन में आप और ज्यादा क्या कर लेंगे, 60 नहीं तो 70 दिन में आप क्या कर लेंगे। 70 दिन में आप यही कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रांग कर लीजिए, जो आपके वीक सब्जेक्ट है उनका एक पूरा माइंड मैप और फ्लो चार्ट बना के उसका रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए। और जब पेपर देने जाए वहां की बात आप ध्यान से समझिए। पहली चीज, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, आपका हो रहा है नहीं हो रहा वो आप भविष्यवक्ता नहीं है कि आप पेपर दिए बिना डिसाइड कर लेंगे आपका हो रहा है नहीं हो रहा। कई लोग तो फॉर्म भरने के बाद डर के मारे पेपर देने नहीं जाते, भले उनके एज के हिसाब से भी 6 अटेम्प्ट हो बट वो कहते हैं यार मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा। अरे भैया तुम पेपर देने जो, अगर तुम्हारे एज के हिसाब से भी अटेम्प्ट कोलैप्स हो रहे हैं तो उनको लैप्स होने से पहले आपको पेपर देना है तो पेपर देने जाइए। हो सकता है कि आपने जो 70% पढ़ा उसका ही 50% आपको करना पड़े, तो पढ़ पहले डर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप प्री देने जाते हैं खुद पर यकीन रखिए, आपने जितना पढ़ा है उससे आप कर लेंगे। कभी कभार क्या होता है, लेट सपोज 1857 की रिवोल्ट आप पूरी पढ़ के आए बट उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपने पढ़ा नहीं था, बट इस नॉलेज से प्रोबेबली आप 50-50 पे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि 50% मुझे आता है 50 नहीं आता, आप उस पर फ्यूचर में रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहे हैं, उस 100 में से हम एज्यूम करते हैं कि आपके 40 एकदम करेक्ट हो रहे हैं, मतलब आपको 100% श्योर है कि ये 40 मेरे गलत नहीं जाएंगे। अब 40 से तो आपका प्री निकलेगा ना भाई, 50 तो प्लस आपको करना ही है आफ्टर नेगेटिव मार्के, और खुदा ना खास तो उस 40 में से आपकी प्रिजम्पशन से भी एक गलत हो गया तो क्या होगा। तो अगर आप 40, 45, 48 पे रुक जा रहे हैं तो भी आपका प्री नहीं हो रहा, ये श्योर है। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्क लेना है, और रिस्क कैसे लेना है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिस्क लेना है। पहले जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपको उसका 50% आता है, आप उस पर रिस्क लीजिए, री रीड करिए, बार बार री रीड करिए, हो सकता है एक ऐसा टाइम आए जब आपको आंसर क्लियर होने लगे, नहीं होता अब तो कभी ना कहीं।
70 प्लस तक अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें 55 नेगेटिव मार्किंग के बाद सही हैं, तो यूपीएससी में मेंस लिखने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑब्जर्वेशन दूसरों की मत करिए कि ये मैगजीन पढ़ लो इससे एग्जाम निकल जाएगा, ये यूट्यूब चैनल देख लो इससे निकलाएगा, ये 3000 स्पेशल करंट के क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ये स्पेशल वीडियो 6 घंटे का है मैराथन बना दिया किसी ने वो देख लो कि आपका आईएएस निकल जाएगा। अगर मैराथन देख के सबका आईएएस निकलता तो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स क्यों बैठी हैं, वो मार्केट से चली जाती, हम जैसे टीचर चले जाते। तो ये मैराथन वगैरह सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाने का तरीका तो बढ़ा सकते हैं, बट आपको आईएएस नहीं बना सकते। आपको आईएएस बनने के लिए एक ऐसे टीचर की जरूरत है, आपको खुद के अंदर यकीन रखना है, उस टीचर पे यकीन रखना है। अगर उसने बोला बेटा ये करना है तो करना है, ये नहीं करना तो वो नहीं करता, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। प्री देने जा रहे हैं, बहुत नॉर्मल रहिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, एग्जामोफोबिया नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कई बच्चे कॉल करते हैं मुझसे, कहते हैं यार मुझे बहुत डर लग रहा है, या सर मुझे बहुत डर लग रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा पेपर या नहीं कर पाऊंगी। मैं एक सिंपल सी चीज उनसे कहता हूं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा इस वर्ड को निकाल दीजिए, क्योंकि आपसे तभी होगा जब आप डरेंगे। अभी मॉर्निंग में मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे फेलियोर से डर लगने लगा है। देखिए फेलियोर एक पॉजिटिव चीज है, फेलियोर को लोग नेगेटिव लेते हैं। अगर फेलियोर को आप नेगेटिव लेते हैं तो शायद थॉमस एडिसन कभी भी बल्ब नहीं बनाते। उन्होंने कई फेलियोर लिए, 99 बार फेल होने के बाद बंदे ने जब बनाया। एलन मस्क आपका रिसेंट एग्जाम्पल है, कितनी बार फेल हुए, रीयूजेबल रॉकेट वो नहीं बना पाए, हर बार फेल हुए, सब कुछ बिक गया, बट फेलियर के डर से बार बार फेल होते रहे, बट उन्होंने एफर्ट्स नहीं बंद किए। आज स्पेसएक्स बहुत बड़ी कंपनी। फेलियर के डर से आप अपने करियर को रिस्क में नहीं रख सकते। आपके पास अगर फेल होने का डर होगा आप पेपर जरूर निकालेंगे, क्योंकि फेल होने के डर से आप एक स्मार्ट हार्डवर्क करना सीख जाएंगे। और मेहनत करना ही की है यार हमारे सक्सेस के, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमको सिर्फ हार्ड लेबर करना है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको कोई भी माइकल लाल इस पेपर में पास होने से नहीं रोक सकता। बट मेहनत करने का मतलब ये भी नहीं है कि आज उठाया हथौड़ा और मांझीरे बन गए, मांझीराम की जगह गए और पहाड़ तोड़ने लगे, नहीं, वो मेहनत नहीं आपके लिए। आपके लिए मेहनत है कॉपी पेन उठाना और एक बेहतर मैनर में पढ़ना। अब पढ़ते पढ़ते लोग कहते हैं सर मैं पढ़ रहा था मेरे सर में दर्द होने लगा, मैं डाइवर्ट हो गया, आधे घंटे से ज्यादा मेरी स्टडीज नहीं हो पा रही, इतनी मोटी बुक है इसको देख के मुझे चक्कर आता है। तो भैया किसने कहा एक दिन में पूरी बुक घोट के पी जाओ, मैंने तो नहीं कहा एक दिन में पियो। आपको टाइम मिला था, आपको यूपीएससी पूरा एक साल देती है, 12 महीने देती है फाइनल नेक्स्ट एग्जाम से पहले, मतलब जून में पेपर होता है अगले जून में होता है, 12 महीने में तुम तैयारी नहीं कर पाए, तुम 20 दिन में पूरी बुक पढ़ लोगे, अश्वत्थामा बन गए हो या कोई रोबोट हो, चिट्टी हो, नहीं हो ना यार। जाहिर सी बात है ह्यूमन कैपेबिलिटीज से ऊपर तो आप जा नहीं सकते, या तो भगवान बन जाओ या कालिदास हो कि भाई अपनी जीव काट के काली माँ के आगे रख दो, वो आएंगे तुम्हें संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना देंगे, तुम कालिदास बन जाओगे, रचनाएं करने लगोगे, ये भी नहीं हो सकता हमारे देश में। या तुलसीदास हैं, हनुमान जी खुद ही बैठ जाएंगे, वो आपको सुनाएंगे, रघुवीर खुद आएंगे आपके चंदन करेंगे, ये भी आप नहीं कर सकते। आपको करना अपने ही दम पर है, मेहनत आप खुद करेंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपको खुद करना। तो प्री की तैयारी में पहले आप ये देखिए आपने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। आपको लगता है कि आपके स्टैटिक पोर्शन में 4 सब्जेक्ट तैयार हैं, उन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करके देखिए, अगर 90% एमसीक्यूज आप उसमें कर पा रहे हैं तो आप 100% सक्सेस पा पा रहे हैं और आपको सक्सेस मिलेगी। बट आप कर रहे हैं नहीं हो रहा, आपने जो सब्जेक्ट कह रहे हो मुझसे क्लेम करो कि सर मुझे पॉलिटी बहुत अच्छी आती है, मैंने ठीक भैया वेरी गुड पॉलिटी तुम्हें अच्छी आती है, मैंने पूछ लिया तो सिर्फ ये बता दे कौन सा डीपीएसपी है जो फंडामेंटल राइट में जुड़ गया, आपने कहा सर मेरे को नहीं आता, तो जाहिर सी बात है तुमने पढ़ाई नहीं की। तो पढ़ाई का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने कहा मुझे ये आता है तो वो कॉन्सेप्ट आपका ऐसा होना चाहिए उससे रिलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूं तो आप उसका राइट मैनर में जवाब दे। तो प्री के लिए डरिए नहीं, स्टैटिक पोर्शन को ठीक से पढ़िए, स्टैटिक पोर्शन के बाद करंट अफेयर्स मैंने आपसे बोला पीआईबी फॉलो करना मस्ट है, हिंदू फॉलो करना मस्ट है, योजना कुरुक्षेत्र सरकारी मैगजीन है, मैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल प्रतियोगिता दर्पण किसी भी मैगजीन की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे 30-30 रुपए की 2 मैगजीन हर महीने लेने की बात कर रहा हूं, योजना कुरुक्षे जो आपका जीएस पेपर 1-2 में भी बहुत हेल्प करने वाली है, हम लेते हैं। हम प्रेफर करते हैं पका पकाया 1 महीने बाद का करंट लेने, जब आप डेली हिंदू पढ़ेंगे, डेली पीआईबी फॉलो करेंगे, डेली डीडी न्यूज देखेंगे, डेली ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुनेंगे, तो एक दिन का करंट एक दिन में याद करके आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। और मैं ये सिद्धांत मानता हूं पर डे करंट पर डे याद हो जाना चाहिए, 1 साल का करंट 1 दिन में नहीं याद होगा,
कितने लोग मेरे से साथ हैं, कितने अपोज करेंगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो पर डे का करंट पर डे आप याद करेंगे तभी आप एग्जाम निकल पाएंगे। अब एग्जाम आ गया, 60 दिन के अंदर आप 2 साल का करंट तो नहीं पीसीएस के लिए और 1 साल का करंट आईएएस के लिए याद नहीं कर सकते। तो आप उतना पढ़िए जितनी आपकी औकात है, जो चीज कर चुके कर चुके, टाइम वेस्ट करने का टाइम खत्म हो चुका कि अब मैं एक एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन दूंगा, नहीं दे सकते। समझिएगा, आपको अब टेस्ट सीरीज करनी है, ओवरऑल पेपर को लेके चलना है और उसको करना है। दूसरों की सुनना बिल्कुल बंद कर दीजिए, खुद की सुनिए, टीचर की सुनिए। आपको अपना पोटेंशियल बेहतर पता है, आप उसको याद रखिए। और एक चीज याद रखिए कि गिरते हैं सह सवारी मैदान जंग में, वो शह क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसका मतलब ये है, एटलीस्ट आप आईएएस एस्पिरेंट हैं, आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अटेम्प्ट करने की। फेलियर आता है आने दीजिए, फेलियर से डरने की जरूरत ही नहीं। जो अटेम्प्ट ही नहीं देते, जो आईएएस के नाम से भागते हैं, उनसे तो आप लाखों गुना बेहतर हैं। और यकीन मानिए, सपने अगर देखे हैं पूरे जरूर हो, बस शिद्दत से मेहनत करना सीख लीजिए। अभी गर्लफ्रेंड पाने की बात आ जाए तो बच्चा सुबह 4 बजे उठ जाता है और लड़की के गेट के बाहर खड़ा हो जाता है धरना देने, हाय मेरी सोना, हाय मेरे बाबू। जब सोना बाबू के लिए जाग सकते हो तो अपनी किताबों से प्यार क्यों नहीं करते। एक लड़की अपने बाबू के लिए 4 बजे उठ के कॉल कर देती है, मेरा सोना, आई एम मिसिंग यू। भाई 4 बजे उठ के लक्ष्मीकांत भी पढ़ लो। मैं कहीं नहीं कह रहा प्यार नहीं करना चाहिए, मैंने कहा अपनी पढ़ाई में भी उतना ही डेडिकेशन दे दो जितना अपनी लस्ट को देते हो, जितना अपने प्यार को देते हो। पेपर निकल जाएगा, हमें बड़ा डर लगता है। और दूसरा, मेरी गर्लफ्रेंड आईएएस बन गई, मेरी जिंदगी खराब। अरे यार, तेरी जिंदगी क्यों खराब, ढूंढ दूसरी, ढूंढ, पढ़ाई एक ऑप्शन है जो आपको आगे बढ़ाएगा और कुछ नहीं। तो पढ़ाई के लिए पढ़ते रहें, अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। dpsrana4u@gmail.com मेरी आईडी है, इसको आप प्लीज़ मेल करें, मैं 100% आपको जवाब दूंगा। जो भी डाउट होगा उसे मैं क्लियर करूंगा, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। प्री देने जा रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड रहिएगा। अभी अगला एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा, गैस मेथड बताऊंगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रीलिम्स कैसे निकलता है उसके बारे में बात करूंगा। बस आज का मैसेज ये है, प्लीज मोटिवेटेड रहिए, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।